में पहुंचे रोगी की इसमें मौत भी होती है। लेकिन अब स्वाइन फ्लू के गंभीर रोगियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक्मो मशीन उनके लिए वरदान साबित हुई है। स्वाइन फ्लू गरीब हार्ट, लंग्स और फेफड़े काम करना बंद कर देती हैं, ऐसे में सांस नहीं लेने के लिए रोगी दुनिया से चला जाता है, लेकिन एक्मो मशीन के जरिए उसका पूरा खून निकाल लिया जाता है। हो सकता है स्वाइन फ्लू केसेस वापस से बहुत बढ़े, और जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है कि जो मरीज जिन पेशेंट्स में बहुत सीवियर स्वाइन फ्लू हो जाता है, मतलब मरीज इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उन्हें बचाना वेंटिलेटर पे लेने के बावजूद भी उन्हें बचाना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, ऐसे मरीजों में इस मशीन का बहुत उपयोग है। यह एक्मो मशीन है, इसमें हम ये करते हैं कि मरीज की बॉडी में से खून बाहर निकालते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर करके ऑक्सीजन उसमें ऐड करते हैं, वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर में ट्रांसफर कर देते हैं। इस मशीन से कि मेरे क्या बचने के चांस बिल्कुल ही नहीं थे सर। मैं इससे पहले दूसरा हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो वहाँ पर है ना बिल्कुल मुझे वेंटिलेटर पर लिया था और उल्टा कर दिया था, मतलब उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं बचेंगे। फिर वहाँ से भगवान ने रास्ता दिखाया कि इंटरनल हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर एक्मो मशीन थी। फिर यहाँ से पूरी टीम गई, इन्होंने मुझे एक्मो मशीन पर लिया। एक्मो मशीन पर धीरे धीरे रिकवरी होती गई, ब्लड में है ना ऑक्सीजन डाल के ब्लड को बाहर निकालते हैं नली के द्वारा, और उसमें ऑक्सीजन मिक्स करके वापस ब्लड को दूसरे पोर्शन से अंदर बॉडी के अंदर डालते हैं।